जगदाम विनाकागति रामेण प्रदयन्यते कलिबलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रय। मेरे प्यारे मित्रों, कवियों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने बचपन की यादों पर लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं। बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं हैं, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यकाल स्वर्णिम काल लगता है, चाहे जितनी ही गरीबी हो, अभावग्रस्त रहा हो, क्योंकि उस कालखंड में अहम बोध अत्यल्प होता है। अतः दुखों का, संकटों का, परेशानियों का तीक्ष्ण बोध प्रायः नहीं होता। उस स्वच्छंद स्वतंत्र अल्हड़ जीवन का सुनहलापन जीवन भर याद आता रहता है, जिसके अंतराल में उसे मिस करने का, खो देने का शोक शोक हृदय को घालता रहता है। जैसे भूतकाल के लिए शोक होता है, वैसे ही भविष्य जो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसके लिए भय का भाव हृदय को कचोटता रहता है। जो जितना अमीर, प्रसिद्ध, लोकप्रिय होगा, उसे उतना ही अधिक भय होता है। जैसे भूतकाल के लिए शोक होता है, भविष्यकाल के लिए भय होता है, वैसे ही वर्तमान काल के लिए मोह होता है। मोह, यह इल्यूजन और एक्सपेक्टेशन और इमेज, ये आडंबर, इसे पेस्टीज का मिला जुला मोह, शोक और भय से मिलकर हमारे जीवन के मौज, शौक, आनंद की जड़ खोखला करता रहता है। ऊपर से, नीचे से, सब तरह से वार करता रहता है। इसी से खान पान विकृत हो जाता है और बीमारियां आ घेरती हैं। अच्छे भले दिखते भी जीवन नर्क बना पड़ा रहता है। सो इन शोक, मोह, भय को निरस्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का, भक्तमाल कथा का प्रावधान है। ये ही से जड़मूल से समाप्त कर सकने में पूर्ण समर्थ हैं। उसमें भी सार संक्षिप्त है, श्री कृष्ण कथा या श्री राम कथा, जो सदा कृष्ण कथा या राम कथा कहते हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना कि इनको उसके सिवाय और कुछ भी नहीं आता। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड इसरो एंड वर्ल्ड न्यूज एक्सेट्रा, नथिंग दे नो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सर्व विद्या विशारद विद्वान और कवि और महात्मा और सिद्धि प्राप्त योगी और ब्रह्म ज्ञानी भी श्री कृष्ण की कथा कहते पाए जाते हैं। उसके बिना उनका 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 पेट नहीं भरता, उनकी भूख नहीं मिटती। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इसके अतिरिक्त और कुछ वे नहीं जानते, अपितु यह कि भगवान श्री कृष्ण में गुणगणों का ऐसा अंबार अभिव्यक्त हुआ कि अन्यत्र अन्यों में सभी गुण अत्यल्प, अपूर्ण और अनाकर्षक रह गए। आप ब्रिटनी पियर्स की चर्चा या वाइडन की चर्चा या पुतिन की चर्चा या मोदी जी की चर्चा करते रहते हैं या योगी जी की चर्चा करते रहते हैं या अन्य सिने अभिनेताओं, फिल्म बाजों, नटों, नटिनियों की चर्चा में घंटों इसलिए कंज्यूम कर देते हैं कि उनके कुछ गुण हैं जिसने आपका दिल जीत रखा है। तो श्री कृष्ण उन्हीं सब महान गुणों के अक्षय भंडार हैं। प्यारे मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने अच्छे कवि थे, इतने देशभक्त थे, इतने सुंदर थे, इतने शालीन थे और इतने बेवाक थे बातचीत में कि कोई राजकुमारी उनके साथ एकतरफा प्रेम में पड़ गई थी, लेकिन अंत बुरा हुआ, विक्षिप्तावस्था में मृत्यु हुई।
तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ऐसे उदात्त और महान गुण संपन्न थे, पर श्री कृष्ण भगवान की महान गुण संपन्नता और वीरता और दरियादिली और वाक्पटुता और धैर्य और करुणा के समक्ष सभी अत्यंत बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और श्री कृष्ण ही जैसे हैं वैसे के वैसे ही पहले श्री राम हुए थे, पहले भी अनेक रूपों में आए और आते रहेंगे, पर एक्टिंग हमेशा अलग अलग ढंग से करते हैं, कुछ अनूठा कुछ अनोखा, अचिंत्य और विचित्र, स्टूपेंडस, इनक्रेडिबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वे अभी भी हैं, केवल आपके उनसे संपर्क साधने की ही देरी है। सद्गुण सद्गुण गणानाम अवगुण, उन भगवान श्री कृष्ण में अनंतानंत श्रेष्ठ गुण गणों का इकट्ठा होना ही एकमात्र उनमें अवगुण है कि उनके गुणों का वर्णन किए बिना कवि या संत या कोई पवित्र आत्मा की प्रतिभा कभी मानती ही नहीं, चुप बैठती ही नहीं। उनका बोलना ही उन्हें भूरिदा जना बना देता है विश्व पटल पर। श्री राम के रूप में उन्होंने मानवता के सर्वोच्च शिखर का आविष्कार किया, उसकी सुगंध से समग्र जीवन गमगमा उठा, एक गमगमाहट से भर गया इतना अधिक कि अब जो उन गुणों का गायन स्मरण या चिंतन भी करते हैं उनका जीवन भी उसी सुगंध की गमगमाहट से भर उठता है। आज मुसलमान मजहबी उन्माद के प्रेत से आविष्ट होकर हिंदू आस्था केंद्रों यानी मंदिरों और मूर्तियों पर आक्रमण करते रहते हैं, मैकालियाइट शिक्षण संस्थानों से ब्रेन वॉश कराकर तथा कथित आधुनिक बने पाश्चात्य मजहबी उन्मादग्रस्त हार्ट ब्लडेड लोग वैदिक जीवन पद्धति पर वाचिक आक्रमण करते रहते हैं, वाक बाण छोड़ते रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों से अशिक्षित और भारतीय संस्कारों से असंस्कृत ईसाई मुस्लिम कम्युनिस्टों के वैभव सफलता से भयभीत, उनके दंगा फसादों के सामर्थ्य से दबे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजेज और राजनेता और सेकुलरिज्म और पॉलिटिकल करेक्टनेस और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के मकड़ जाल में ऐसे फंसे पड़े हुए हैं कि जिनसे रक्षा के लिए वे चुने जाते हैं, जिनकी रक्षा के लिए वे लाखों रुपए प्रतिमाह झटकते हैं, जिनकी संख्या देश में कम करने, अधिकार कम करने, सुविधा कम करने या देश से निकालने को बहुमत से जनता उन्हें चुनती है, पद पाते ही धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक दुरुस्तता और अंतर्राष्ट्रीय प्रलोभनों के दबावों के मजहबी उन्माद जैसे नशे में ये ऐसे टुन्न हो जाते हैं कि ये भीषण शत्रु के पिछवाड़ा चाटने में, उनको सब्सिडी देने में, उनकी संतुष्टिकरण में ऐसे लग जाते हैं कि जैसे हिंदुओं से उनका कोई नाता ही ना हो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने तो स्पष्ट कह दिया हिंदुओं से कि उनके जवान बेटे लेकर लाखों का एनजीओ बनाया और मोदी को पीएम बनाया हिंदुओं के सहारे से, और अब कह रहा है कि आरएसएस अहिंदू संस्था है, हिंदुओं से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। मोदी भी हिंदुत्व को धर्म नहीं जीवन विधि मानता है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें करेक्शन करने का, बदलने का अधिकार देता है, जबकि आतंकी मजहबों को धर्म कहते पकड़ा गए हैं ये दोनों। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, इन सब विभिन्न प्रकार के मजहबी उन्माद ग्रस्तता से अविष्ट, ऑब्सेस्ड और पजेस्ड होकर
बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियां राजनेता कवि लेखक एकमात्र सच्चा धर्म हिंदू धर्म का तिरस्कार और नाश करते हुए जो सामूहिक आत्महत्या के कार्य में हवशी जैसे हेल्पलेसली और होपलेसली एज इफ कंपेल्ड लगे हुए हैं, उस आत्मविनाश में जो हमारी रक्षा कर सकता है, इस आत्मविनाश से जो हमारी रक्षा कर सकता है वह है श्री राम के और श्री कृष्ण के महान गुणगणों का स्मरण, चिंतन और प्रवचन और श्रवण। उनके गुण श्रवण में इतना सामर्थ्य है कि ज्यों ही श्री राम श्री कृष्ण आपके जी को भाने लगते हैं, क्यों ही वे आपका पथ आत्मकल्याण में प्रशस्त करने लगते हैं। आत्मविनाशक प्रवृत्तियां समाप्त होने लग जाती हैं। उन्हीं श्री भगवान जी के गुणगणों को हम किंचित स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। हमारी मानवता की परिपूर्णता तब होती है जब हम जहाँ से हम श्री राम की ओर दृष्टि निक्षेप करते हैं, इसे दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति की जिस किसी नारी का समर्पण सन्नद्ध अभीप्सा भगवान श्री राम से जुड़ गई, उसकी मानवता परिपूर्ण हो गई, अब उसकी चेतना देवत्व की दिव्यत्व की सीमा रेखा के अंतर्गत आ गई है। जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान सामने हो और पहचानी न जा पा रही हो तो किसी बुजुर्ग से या विश्वसनीय व्यक्ति से कन्फर्मेशन से पहचानी जाती है। भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, पर प्राणी मन बुद्धि इंद्रियों और अहंकार से विक्षिप्त होकर पहचान नहीं पाता, निर्णय भी उचित नहीं कर पाता, उचित मार्ग भी नहीं पहचान पाता। तो वेद ही भगवत वाणी के रूप में संसार में प्रकट हुए हैं, जन सामान्य को उसके आत्यंतिक श्रेय के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए आविर्भूत हुए हैं। उत्थान और पतन का मार्ग प्रशस्त करने को दो विकल्प हैं। वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद उपनिषद शास्त्र पुराण रामायण भागवत प्रोक्त आचार व्यवहार ही धर्म यानी कि उन्नति का मार्ग है, और जो उसके विरुद्ध है जिसे वेद ने मना किया है, उन आचार विचारों को लेकर जो मजहब जैसे मुस्लिम ईसाई यहूदी आदि जो बने हैं और जो उनका पक्ष लेते हैं और जो उनकी सहायता करते हैं उन्हें धर्म कहा करते हैं, वे अधर्मी हैं। उनका सारा रहन सहन जो जैसा भी है वो अधर्म है, अधर्म के पोषक हैं। वो हैवान बनने और राक्षस बनने और रोगी होने और विश्व युद्ध फैलाने और अशांति पैदा करने और संकट पैदा करने और दुख और दरिद्रता में फंसने का रास्ता है वो। इसीलिए आजकल अधिक संपन्न धनी होने पर भी पाश्चात्य जगत और खाड़ी देश अत्यधिक संपन्न होने पर भी संतप्त हो रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं। बलात्कार, लूट, पागलपन, रोग, अवसाद की स्थितियां वहां बड़ी भयावह हैं। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचीत सादासी साक्षाद् रामायणात्मना। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार श्री राम रूप में अवतरित हुए तो वेद रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से प्रादुर्भूत हुए, और जब वही निर्गुण निराकार ब्रह्म द्वापर युग के अंत में सगुण साकार
श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो वहीं वे श्रीमद् भागवत के रूप में महर्षि वेदव्यास के मुख से प्रादुर्भूत हुए, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से प्रादुर्भूत हुए। अतः हम इन्हीं के द्वारा उन परब्रह्म से अपना संपर्क जोड़ रहे हैं।